रेलवे की दृष्टि से नाभिकीय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कई शिफ्ट में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। क्या है कि 2018 में 135 शिफ्ट पेपर हुआ और उसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने मिले उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया गया है। नाभिकीय ऊर्जा से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिसर्च रिएक्टर का नाम अप्सरा। तापीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है मंदक के रूप में। भारी जल का मंदक के रूप में प्रयोग होता है। भाभा परमाणुीय अनुसंधान केंद्र बार्क ट्रॉम्बे में स्थित है। भाभा बार्क ट्रॉम्बे में। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह तारापुर। भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट किया था 18 मई 1974 को पोखरण में किया था। भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है नाभिकीय संलयन। इसीलिए हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होते हैं। परमाणु बम किस अभिक्रिया का उदाहरण है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अगर श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित हो तो वह बम नहीं, उसे फिर रिएक्टर कहेंगे। और अगर अनियंत्रित हो जाए, जहां अनियंत्रित परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया होती है उन्हें बम कहते हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी में। तो अगर परमाणु अभिक्रिया को नियंत्रित कर लिया जाए तो उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है और बिजली बनाई जाती है। तारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। तापीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया का नियंत्रण करने के लिए प्रयोग करते हैं कैडमियम या बोरान की छड़ों का। तो कैडमियम या बोरान की छड़ों का उपयोग करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। मतलब ये कंट्रोलर हैं कैडमियम और बोरान। और जो भारी जल है D2O इसका उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। और कंट्रोलर और मंदक पूरी तरह से अलग हैं, देख लीजिए आप भी। तापीय रिएक्टर में शीतलक कूलेंट के रूप में प्रयोग किए करते हैं जल का। तापीय रिएक्टर में कूलेंट के रूप में जल का प्रयोग करते हैं। तो ये तीन की पॉइंट्स हो गए, शीतलक के रूप में जल का प्रयोग, मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग और कंट्रोलर के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ों का। और कैडमियम की अगर शरीर में अशुद्धता हो जाए तो कैडमियम की वजह से इटाई रोग हो जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसमें सामान्यतः द्रवित सोडियम का उपयोग किया जाता है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होते हैं उसमें जल की जगह द्रवित सोडियम का उपयोग किया जाता है, अदरवाइज जल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर संपन्न करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।